बेटा तुम एक काम करो, सामने वाली आंटी के यहाँ से थोड़ा सा चीनी ले आओ। ले आओगे बेटा? जी आंटी, बस मैं यूं गया और यूं आया। ये देखिए आंटी, सामने वाली आंटी ने इतनी कम चीनी दी है, इसमें चार लोग की चाय क्या एक इंसान की चाय ना बन पाए? ये बताइए बहन जी, इतनी आधी चम्मच चीनी में क्या होगा? चार कप चाय बनाना है। आप जब भी हमारे यहाँ चाय लेने आती हैं, आपको हम पूरी कटोरी भर के देते हैं। ये आधी चम्मच दी आपने? मुझे लगा कि आपको आधी कप चाय बनानी है। लीजिए, मैं अभी आपको कटोरी भर के देती हूँ। ये लाइए, चम्मच वापस दीजिए मेरी। और मेरी कटोरी कहाँ? वो आपने रख ली? वाह, बताइए। ये लीजिए, मैंने पूरी कटोरी इस बार भर के दी है। हैप्पी? हाँ, परफेक्ट। अब चार लोगों की चाय बन सकती है। थैंक यू। अच्छा, अगर मुझे फिर से ज़रूरत पड़ेगी चाय पत्ती या चाय की कुछ भी सामान की, मैं आपके आऊँगी लेने, ठीक है? अरे अब आप ही का घर है, आप इसमें क्या शर्माना है? देखिए फिर से कह दे रही हूँ, मना मत करिएगा। जितना बोलो उतना कम है। जी जी, अच्छा, थैंक यू। देखा आंटी, मैंने आपसे पहले कहा था, उन्होंने कम दी थी चीनी। अरे कोई बात नहीं बेटे, जाके खेलिए, जाइए। और मेरी टॉफी, आपने प्रॉमिस किया था टॉफी देंगी, मैं अगर चीनी ले आऊँगा सामने वाले आंटी के यहाँ। अरे तो टॉफी लेना भूल ही गए, देते हैं। ये लो बेटा, थोड़ी सी ले लो चीनी, मुँह मीठा कर लो। अरे तो चीनी है वाला तो सामने आंटी के यहाँ से। तुम कहाँ लाए थे? मैं लाई थी। अच्छा, बंसी से मुँह मीठा कर लो। आपने टॉफी का प्रॉमिस किया था। अरे अभी चीनी से मुँह मीठा कर लो, मैं बाद में चॉकलेट ला के दूंगी, ठीक है? तो प्यारा बच्चा है आंटी, मैं आपका अब कोई काम नहीं करूँगा। अच्छा अच्छा ठीक है बेटी, ये लो 5 रुपये टॉफी ले लो। थैंक यू आंटी। मैं सब देख रही हूँ, बहुत कंजूस हो तुम, एक टॉफी नहीं दे सकती उसको? अरे नहीं, मैं उसका मन चेक कर रही थी, बहुत भोला प्यारा बच्चा है। अरे भोली प्यारी तो तुम बन रही हो, बड़ी अपने आप को जाने क्या समझती हो। अच्छा चलो फिर मिलते हैं। अच्छा।